ना पास तू तो आती ढंग से सांस नहीं। चिड़चिड़ा सा रहता हूँ मैं, लगता कुछ भी खास नहीं। जब से मरने लगे हैं तुझ पे बचने की कोई आस नहीं मेरी। ओ जिंदगी में आई जब से वाइब ही बदल गई। घूमता था मैं अवारा लाइफ सी संभल गई। दुनिया मेरी डार्क सी में लाइट सी एक जल गई। प्यार कहते जिसको finally वो हो सा गया। Finally, finally, finally क्या आपने कभी किसी से प्यार किया? गुप्ता जी आपने तो किया ही होगा। अरे हमने भी किया, पर क्या आप जानते हैं कि भारत में आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए प्यार ढूंढना काफी मुश्किल है। लोग जो LGBTQ कम्युनिटी से हैं, वो ट्रू कंपेनियनशिप पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि सोसाइटी में उनके खिलाफ स्टिग्मा तो है, जिसकी वजह से वो स्कैमिंग, कैटफिशिंग, साइबर क्राइम और ब्लैकमेल के शिकार बन जाते हैं। इन सारी सीरियस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया ग्ली। ग्ली एक सेफ कंपेनियन एंड डेटिंग ऐप है LGBTQ+ कम्युनिटी के लिए। ग्ली का मतलब है खुशी, और एक कंपेनियन से बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है? एक कंपेनियन की कीमत तुम तो जानते ही होगे अनुपम बाबू। नमस्कार शाक, मेरा नाम शिवम है। मैं हूं अंकुर। हाय, आई एम रोहित। और मैं टिया, नाम तो सुना ही होगा। लेकिन सवाल ये है कि जब मार्केट में इतनी सारी डेटिंग ऐप है जैसे कि टुंडर, डंबर, ग्राइंडर, तो फिर एक और डेटिंग ऐप क्यों? क्यों? अरे क्यों? बताओ ना क्यों? क्योंकि जहां से उनकी सोच खत्म होती है, ग्ली की सोच वहीं से शुरू होती है। ग्ली पे आप अपनी डेट के साथ एक रिजर्वेशन भी बना सकते हैं विद योर प्रेफर्ड लोकेशन एंड बजट विदाउट एक्सचेंजिंग नंबर्स, व्हिच मेक्स ग्ली अ वेरी सेफ डेटिंग ऐप। और तो और, ग्ली पे 20+ सेक्सुअलिटीज हैं, ब्लाइंड डेटिंग स्पॉट्स है, LGBTQ+ रेस्टोरेंट्स हैं, SOS फीचर है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास ग्रोवर जी हैं, होपफुली। बाकी ऐप पे स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम मिले थापर साहब, पर नहीं मिला तो एक कंपेनियन। देखिए, इंडिया में जो LGBTQ कम्युनिटी है उसका मार्केट वैल्यू काफी है और पोटेंशियल बहुत अनटैप्ड है। हमारा विजन बहुत क्लियर है। अभी हम एक इंडिया की बहुत बेहतरीन ऐप है और हम इसको बहुत जल्दी ग्लोबल लेके जाना चाहते हैं, ताकि हर राज से अपना राज और हर सिमरन से अपनी सिमरन मिल सके। So sharks, आज हम आए हैं 40 lakh raise करने के लिए against 4% in our company. So who's ready to come on board and spread glee? With glee. Thank you guys. Thank you guys. Thank you guys. Thank you. Good job. So Shiva, Mankur, Rohit and Tia. Yes sir. Yes, welcome sir. To Shark Tank. Thank you. Thank very much. You sir. तो शुरुआत करते हैं आपके बैकग्राउंड से, कैसे आइडिया आया, इससे पहले क्या करते थे? मैं एक्स होटेलियर हूँ और मैं क्रूज लाइनर्स पर काम कर रहा था। मेरा जो कलीग था वो एक प्राउड गे था, एंड हम हमेशा बात करते थे कि यू नो कम्युनिटी के लोग कैसे चैलेंज फेस करते हैं व्हेन दे गो टू फाइंड अ कंपेनियन। तो आइडिया था एक डेटिंग ऐप बनाने का। आई अप्रोच अंकुर कि यार ये कॉन्सेप्ट है एंड लेट्स मर्ज हॉस्पिटैलिटी एंड डेटिंग। मैं भी एक होटेलियर ही हूँ, मैंने अराउंड 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन होटल्स। जब शिवम मेरे पास आया तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा टॉपिक ऑफ कोर्स, और हमने एज अ पैशन प्रोजेक्ट इसको शुरू किया था इनिशियली। लेकिन आई थिंक प्रॉब्लम वहाँ पे थी कि जब हमने लोगों से बात करी तो उन्होंने ये बोला कि डेट तो कई बार मिल जाती है, लेकिन उसके बाद वो काफ़ी ऐसी जगहों पर मिलते हैं जो बहुत अनसेफ हैं, और ब्लैकमेलिंग, कैटफिशिंग, इस तरीके की जितनी प्रॉब्लम्स हैं ये एक्चुअली वहीं से शुरू होती हैं। अगर आप एक पब्लिक स्पेस पे मिल जाएं, अपना नंबर एक्सचेंज करे बिना, तो आई थिंक बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कर्ब करा जा सकता है। सो मैं भी मतलब एक क्वियर वुमन हूँ, एंड मेरे डैड जो हैं वो एक NGO रन करते हैं। तो जब शिवम ये स्टार्ट कर रहे थे तो मेरे डैड के पास आए थे, एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग, और मेरे को ये आइडिया शुरू से काफ़ी अच्छा लगा था, बिकॉज पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने बोला कि नहीं, पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं। तो आई तो मैं सिर्फ गेस्ट के तौर पर थी इनको मतलब सेंसिटाइज करने के लिए, फिर आगे जाकर बात होती रही एंड आई वॉज लाइक मेरे को इसके साथ जुड़ना है, एंड फिर अब मैं इनका सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशंस वगैरह हैंडल करती हूं। तो आप एक को-फाउंडर हैं अभी कि नहीं? सर, मैं एम्प्लॉई हूं। अच्छा, और आप रोहित? बेसिकली सर, मैं टेक बैकग्राउंड से हूं, तो शिवम इज माय सेकंड कजिन। और आप चारों में से LGBT कम्युनिटी में से कौन है? जस्ट यू? ओके,
नहीं तो आप इस प्रॉब्लम से काफ़ी रिलेट कर सकती हैं। मैं इसलिए थोड़ा सा उसको समझना चाहूँगा, इंडिया में इसकी एक्सेप्टेंस अभी तक ब्रॉड तरीके से नहीं है। तो आपने जब ये बताया अपनी फैमिली को, तो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस, सो वुड यू शेयर योर पर्सनल? या सर, आई मीन मैं काफ़ी लकी हूँ यू नो कि मेरे फैमिली बहुत एक्सेप्टिंग है। एंड डैड ने लिटरली अपना फौज में जब उनका रिटायरमेंट हुआ उसके बाद, बिकॉज हम लोग बात करते रहते थे एंड मैंने उन्हें काफ़ी समझाया, तो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद एनजीओ खोला। एंड शुरू शुरू में डैड के साथ मैं ही बैठ के उन्हें बताती थी एंड काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो कम्युनिटी से हैं। और आई थिंक मैं इसलिए जुड़ी थी कि जो एक्सपीरियंसेस मेरे को हुए बचपन में ट्राइंग टू फाइंड लव, प्यार ढूंढने के लिए, बिल्कुल आई डोंट वॉन्ट कि वो किसी और को हो। नहीं, बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंसान तो इंसान होता है। Exactly. और सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर डिस्क्रिमिनेशन करना आई थिंक बहुत गलत काम है। लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी कि आप टीवी पे आके ये कह रही हैं अपने देश में जो अभी भी थोड़ा कंजर्वेटिव है। सर पर आई थिंक ऐसे ही तो बदलेगा। बिल्कुल, बाय द वे बहुत बड़ा मैसेज आपके शूज भी देते हैं, राइट? सो माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। थैंक यू मैम। तो आज अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे आप? हां श्योर सर। So this is the profile mode. This is the dashboard. Sorry, right करेंगे तो interest show करेंगे, left करेंगे तो आप reject करेंगे। आप अंदर जाएंगे तो आप profile पढ़ सकते हैं। अगर आपको अपना gender change करना है, gender change in the sense जो आप जिसको आप देख रहे हैं, so we give all the categories. We try to give all the categories. तो हमने अभी 20 plus sexualities को इसमें include किया। एंड देन वंस यू गेट अ मैच, अगर आपकी बात होती है, अगर आप दोनों एग्री करते हैं मिलने के लिए, तो इधर ही आप क्लिक करेंगे और अपने रेस्टोरेंट को चूज करने के लिए जस्ट चूज योर लोकेशन और अपने कुजीन के हिसाब से, मेन्यू के हिसाब से, बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे को डेट पे जाना है, हम दोनों ने राइट स्वाइप किया, मैच हो गया, तो उसके बाद मैं शिवम को डायरेक्टली एक रेस्टोरेंट विद टाइम, डेट, लोकेशन सब कुछ डायरेक्टली भेज सकता हूँ। एग्जैक्टली जिस टाइम पे शिवम उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो बुकिंग डायरेक्टली रेस्टोरेंट में चली जाएगी। इनकेस शिवम को लगता है कि मुझे इसमें नहीं जाना है या टाइम ठीक नहीं है, तो ही कैन डू एन एडिट ओवर देयर। जैसे ही दोनों लोग एक्सेप्ट करेंगे ऑटोमेटिकली वो बुकिंग हो जाएगी और आपके व्हाट्सएप या आपके मैसेज में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी बुकिंग हो गई है। तो इसको हमने थोड़ा सेफ रखा है इसको, SOS फीचर। हम क्या कर रहे हैं कि हम यूजर को बोल रहे हैं कि आप एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आप इसमें रखो ऐप के अंदर। एनी मोमेंट ऑन अ डेट यू फील कि यार ये बंदा सामने वाला थोड़ा सस्पिशियस है, तो आप इस SOS पे इसको यूज कर सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड हम ये चीज रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ भी करेंगे। समझ रहा। अभी क्या ट्रैक्शन है? सर हमने लॉन्च किया था फेब में और हमारे पास अभी 35,000 डाउनलोड्स हैं। सब ऑर्गेनिक है? 38% हमारे ऑर्गेनिक है। 25,000 साइंड यूजर हैं हमारे पास सर। दैट डजंट मीन एनीथिंग। आपके DAO कितने हैं? एंड 8 लाख प्लस स्वाइप्स अभी तक एप्लीकेशन पे हो चुके हैं। डजंट मीन एनीथिंग। आपके DAO कितने हैं? डेली एक्टिव यूजर्स? अच्छा ओके सर, डेली एक्टिव यूजर इज 1000 राइट नाउ। 1000 एग्जैक्टली। यस एग्जैक्टली माय पॉइंट। मेरे को अभी भी बात समझ नहीं आई, आप एक डेटिंग ऐप है या आप एक टेबल रिजर्वेशन ऐप है? क्यों दोनों को आपने मिक्स कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, देयरफॉर राइट? तो सपोज करो कोई सेम कम्युनिटी से नहीं है, उसको शेमिंग करनी है, उसको कुछ मजे लेने हैं, वो जाएगा आपके ऐप में और करता रहेगा, ब्राउज करता रहेगा, राइट, लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप। आपको कैसे पता कि ये बंदा जेन्युइन है, ये बंदी जेन्युइन है? ये शुरू हुआ था एक्चुअली जब हमने पहले लॉन्च किया, हमने देखा कि कुछ लोग कुछ भी ऑब्जेक्ट की पिक्चर्स डाल रहे हैं या कुछ ऑब्जेक्शनेबल कॉन्टेंट बहुत सारा सीधे प्रोफाइल पर डाल रहे हैं जिससे डायरेक्टली ही कोई ऑफेंड हो सकता है। तो उसके लिए फिर हमने इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम को यूज़ किया, ह्यूमन फेस को ही वो डिटेक्ट करके प्रोफाइल होगी वही ऐप पे दिखेगी आपकी, फर्स्ट। सेकंड, अगर आप किसी को कुछ अननेसेसरी बोल रहे हैं या किसी ने ऑब्जेक्शनेबल कमेंट लिख दिए ऑलरेडी अपने बायो में प्रोफाइल में, तो अगेन देयर आर ब्लॉकिंग ऑप्शन, देयर आर रिपोर्टिंग ऑप्शन। हम दो तीन हमारी बहुत हार्ड पॉलिसीज है। बट क्या आप अपने इंटरफेस से खुश हैं? अगर मैं सिर्फ ऐप इंटरफेस पे जाऊं, मैं इसको 1 out of 5 रेट करूंगा। आई गेट योर पॉइंट ऑन द फीडबैक एंड दैट इज यू नो ऑल द रीजन वी वांट यू गाइस ऑन बोर्ड। ये बिजनेस में क्या है ना, आपको सबसे जरूरी चीज है मैच पूल, राइट? ठीक है, अगर एक बंदा आता है सामने, उसको दिखने चाहिए एक्स नंबर ऑफ मैचेस। अगर वो एक्स नंबर ऑफ मैचेस नहीं दिखे तो वो एंगेज नहीं होगा और तो आपको हो जाएगा टिपिकल कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम और आपके नेटवर्क इफेक्ट्स नहीं बैठेंगे। राइट। रेवेन्यू मॉडल क्या है आपका? एक सब्सक्रिप्शन हमारा जो फर्स्ट लेयर है,
जो यूजली एप्स करती हैं. सेकंड सेम कि जितने भी रेस्टोरेंट हम ऑनबोर्ड करेंगे गोइंग फॉरवर्ड हम लिस्टिंग एंड कमीशन पे हम रेवेन्यू. ये तो बहुत अर्ली है रेवेन्यू के लिए. अभी आपको ना खाली इसमें वायरलिटी लाना है, कम्युनिटी को एक स्केल करने देना. आई थिंक द आंसर वाज फॉर जस्ट फॉर द रेवेन्यू मॉडल की है क्या. यस तो नमिता को ना पैसा ही समझ में आता है खाली और जल्दी चाहिए इनको. आप दवाई बेचोगे प्लेटफॉर्म पे तो फिर यार इन्वेस्ट कर देंगे आप इन लोगों को इग्नोर कीजिए. हर बिजनेस प्लान में फाइनेंशियल मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, तो वो जानना जरूरी है. अभी इग्नोर देम. अभी हमारा फोकस सिर्फ यूजर को ऑनबोर्डिंग करना है, यूजर की एंगेजमेंट है, एंड सेकंड इज टुवर्ड्स मार्केटिंग एंड वायरलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. ये कम्युनिटी के लिए हम लोग भी जैसे प्राइड मंथ वगैरह में ऑफर्स वगैरह सब चलाते हैं, लोगो चेंज कर देते हैं, बट दिस कम्युनिटी डज नॉट रिसाइड एनीवेयर. आपको नहीं लगता जैसे हमारे जैसे ब्रांड है हु वॉन्ट्स टू टॉक टू दिस कम्युनिटी, हु सपोर्ट दिस कम्युनिटी, वी वॉन्ट टू टॉक टू द कम्युनिटी थ्रू अदर देन सोशल मीडिया, हम कहां से उनसे बात करें. तो आप ऐसा एक कम्युनिटी उसी में बना लो, उसी में हर चीज होगी. डेटिंग भी कर लो, रेस्टोरेंट्स भी कर लो, ब्रांड एंगेजमेंट भी कर लो, रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कर लो, आप हर चीज सिक्योरिटी भी दे दो, सब कुछ उसी ऐप के अंदर नहीं कर सकते हैं. सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, ये बहुत लंबा विजन है अभी. राइट नाउ एज वी डिस्कस्ड, पहले एक बार यूजर बेस ऑन बोर्ड आ जाए, उसी से आएगा ना यूजर बेस. आई थिंक ही सेइंग व्हाई डोंट यू बिल्ड द फेसबुक ऑफ द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी. उनका बोलने का ये मतलब. पर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, थोड़ा मैक्रो लेवल क्वेश्चन है, मतलब मेरे को आंसर नहीं आया, व्हाई नॉट. टेक चाहिए ना उसके लिए. हां वी डेफिनेटली वांट टू डू दैट. आप क्या करते हो? आपको बड़े भैया ने लिया ये सिलसिला था ताकि आप टेक बना लो. पैसा खत्म हो रहा है थोड़ा हमारा. मेरा डिसीजन बन गया है. देखिए जो सोशल नेटवर्क बनाना है ना, एक बहुत ही नुआंस्ड चीज है और अभी बहुत सारे बन चुके हैं. तो आपको उन सब बेसिक्स को तो राइट करना ही पड़ेगा, उससे एक लेवल आगे जाना पड़ेगा. आपको समझना पड़ेगा ये मोनेटाइजेशन का गेम नहीं है. भूल जाओ मोनेटाइजेशन, रेस्टोरेंट को भूल जाओ. आपको बहुत सॉलिड प्रोडक्ट टीम भी चाहिए इसमें, क्योंकि मेरे को यहाँ पे टेक तो दिख रहा है, प्रोडक्ट नहीं दिख रहा कहीं पे. तो एसेंशियली इसमें कुछ भी करना है ना, बहुत एफर्ट लगना है फ्रॉम स्क्रैच. इसलिए मैं इससे अभी भाग. तो मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरे को लगता है कि दिस शुड बी वन solution where community resides. Right. Whether it's education, whether it's dating, whether it's cafe restaurants, whether it's travel, brands like ours would want to support. But आपकी engagement होनी चाहिए. वहाँ पे वो रोज़ लोग किसी ना किसी reason से आए. जी आपका core जो होना चाहिए मेरे हिसाब से holistic ecosystem होना चाहिए. That's my way and we will support, but not with not right now. तो मेरा डिसीजन ये है कि अभी आप प्री रेवेन्यू के बराबर है, स्केल भी नहीं है, ओनली 1000 यूजर्स. तो कम्युनिटी बढ़ाइए, यूजर्स बढ़ाइए, एंगेजमेंट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, इवन इफ इट्स अ डेटिंग ऐप. टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी फीचर्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड देन कम बैक. बट फॉर नाउ आई एम आउट. तीन शार्क्स आउट है. आई थिंक पीयूष इज स्टिल थिंकिंग. तो इंडिया में कितने लोग होंगे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी में? सर ऑफिशियल फैक्ट्स एंड फिगर्स अभी करेंटली अगर आप देखें तो 18% के हाई एंड पर रखता है. बट 18% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. यस सर. अच्छा तो मेरे को बहुत दिलचस्पी है ये मार्केट में. एक विजन है हमारा कि हमें एक दुनिया का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म बनाना है अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग कम्युनिटीज के लिए. तो दिस सिट्स राइट इन माई व्हील हाउस. तो 40 लाख का ऑफर तो मैं आपको अभी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपको और बहुत टाइम की ज़रूरत है और बहुत पैसों की ज़रूरत है. मैं आपसे कनेक्शन बनाना चाहूँगा एंड वी वुड वॉन्ट टू बी अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर एज अ कंपनी. श्योर. क्योंकि मैं समझता हूँ आपने आज यहाँ बहुत हिम्मत दिखाई टू कम आउट स्पेशली यूटिया एंड टेक दिस. नहीं बहुत बड़ी बात है, मैं ये दिल से कह रहा हूँ. थैंक यू सर. तो मैं ज़रूर आपकी मदद करना चाहूँगा. आई डोंट थिंक इट इज़ द राइट टाइम फॉर मी, लेकिन आपसे बाहर बात करूँगा, स्ट्रेटेजिक ऑप्शन इवेल्युएट करते हैं कंपनी के साथ. जी सर. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. अभी आपका इक्विटी कैप टेबल स्ट्रक्चर क्या है? सो हम इक्वल शेयर करते हैं. अंकुर, मैं, रोहित और रोहित गढ़वाल है जो एडवाइजरी बोर्ड पर है, उनके पास 1%. सीईओ कौन है? I'm the founder.
So I'm taking care of the things. मैंने founder के बारे में नहीं पूछा, मैंने CEO पूछा कि CEO हैं। आप क्यों हैं CEO? I started this, you know, I know the. ये किसने कहा कि जो start करता है वो ही CEO? नहीं सर, ऐसा कुछ सीन नहीं है। अभी अभी हमारी टीम बहुत छोटी है, तो लीड जहाँ पे करने की बात आती है, वहाँ पे जिसका जितना एक्सपीरियंस है वो उसके हिसाब से लीड कर रहा है। मुझे लगता है आपका नाम बहुत बढ़िया है, ठीक है, नाम लोगो काफी कुछ क्रैक कर लिया आप लोगों ने, ओवरऑल टीम भी एनर्जेटिक है। मुझे जेन्युइनली लगता है आपको एक प्रोडक्ट को फाउंडर की जरूरत है, जो शायद हो सकता है इक्विटी अच्छी देंगे तो सीईओ भी बन जाए, बिकॉज मुझे वही थोड़ा सा इशू लग रहा है आपके साथ। तो मैं आज अभी इससे बाहर हूं, बट अगर कल को आप कोई भी मतलब बड़ा राउंड रेस कर रहे हैं तो मैं जरूर पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। हम करेंगे। आ, बिल्कुल ये भी करेंगे। एक आखिरी बात, प्लीज 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 टिया को इक्विटी दो यार, को फाउंडर बनाओ। अंदर घुसते ही बोला था सर, अगर अनुपम सर ऑन बोर्ड आएंगे तो इक्विटी उसी टाइम मिलेगी। अच्छा, ऐसा कंडीशन, उसको पहले ऑन बोर्ड करो फिर अनुपम सर ऑन बोर्ड आएंगे। ओके, नो नो, ऑफ कोर्स सर, नेक्स्ट टाइम आई वांट टू हियर दैट व्हेन आई मीट यू। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।